हे गाइस, अगर आप देखोगे ऑटो सेक्टर में सर सभी चल चुके हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो सर बजाज ऑटो ऊपर है, हीरो मोटर को ऊपर है, टाटा मोटर तो ये भी ऊपर है सर, मारुति ये भी ऊपर है, सही है, आयशा मोटर भी ये भी बहुत ऊपर है, टीवीएस ये भी ऊपर है, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, ये सब सर सभी जो है, बॉश वगैरह, एमआरएफ, अतुल ऑटो, ये सभी अगर आप देखोगे तो ये सभी सर मतलब जो है ऑल टाइम आपको हाई में देखने को मिलेगा। जेबीएम ऑटो अगर आप चाहो तो, या और भी इलेक्ट्रा वगैरह आपको देखने को मिलेगा, सभी ऊपर है सर। तो ये सारे जो है ना, सारे स्टॉक जो है ऊपर है, लेकिन एक ऐसा कंपनी है सर जो ऑल टाइम लो पे चल रहा है सर। थंबनेल पे मैंने नाम लिख रखा है, लेकिन याद रखिएगा कि ये किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन, एडवाइस या टिप्स वगैरह नहीं है सर। देख लीजिए, कंपनी का नाम है हिंदुस्तान मोटर, ठीक है, और सुबह सुबह तो सर आराम से खरीदने का मौका मिलता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पिछले एक महीने के अंदर देखोगे तो 97% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा है, 5 दिनों की तो बात ही मत कीजिए, 6 महीने में देखिएगा तो सर 141%, पिछले एक साल में तो भाई 142% तक का रिटर्न। इसका चार्ट पैटर्न अगर आप देखो तो बहुत इंटरेस्टिंग है सर, देख लीजिए, एकदम फ्लैट, उसका धड़ाक से ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, नीचे जाने का चांस है क्या सर? आइए देखते हैं, पिछले 5 सालों से, 5 सालों में तो सर देखते हैं नीचे जाने का कोई चांस ही नहीं है। पूछे क्यों? सुजलॉन की तरह सर इसका चार्ट पैटर्न दिख रहा है, नीचे जाने का सर लिमिट, मतलब देखें डाउन साइड जो है ना सर, नीचे वो लिमिट है, लिमिटेड डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सर ऊपर कोई लिमिट नहीं है, कितना ऊपर जा सकता है, सिंपल आपको देखने को मिला है यहाँ पर, ठीक है। और देख सकते हो हिंदुस्तान मोटर कहाँ से गिरा है सर, तो ये लगभग 80 रुपये से अराउंड गिरना स्टार्ट किया, अराउंड 80 रुपये से, और ये पहली बार जो है सर इसने सारे रेंज तोड़े हैं 2014, आज से लगभग 2014 की बात की जा रही है सर लगभग, ठीक है, 10 सालों का सर इन्होंने रेंज तोड़ा है, अगर आप देखो उससे भी ज़्यादा का, मतलब 2010 का ये जो रेंज था सर इसको भी तोड़ दिया, अब ये आ चुका है सर यहाँ पर, अगर आप देखो है, तो 2008, कहने का मतलब है कि सर 15 सालों का सर इसने जो है रेंज तोड़ दिया, 15 सालों का यहाँ देख सकते हो रेंज तोड़ दिया इसने, ऑल टाइम हाई पे देखने को मिला, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बड़ा होने वाला है? चलिए कमेंट करके आप बता सकते हैं अपनी राय, ठीक है। तो ये वो कंपनी है सर जो अभी तक कुछ खास रिटर्न निकाल कर नहीं दिया है ऑटो सेक्टर में, बाकी सभी चल चुके हैं, बहुत अच्छे रिटर्न भी निकाल के दिए हैं सर, लोगों का ध्यान वहाँ ही रहता है जो चल चुका होता है, होता कि नहीं होता सर, लोगों का ध्यान वहाँ ही रहता, और जो चलने वाला होता है उस पर ध्यान नहीं होता, फिर लोग बोलते हैं पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया सर, कंपनी पैदा होने से पहले बता दे, बोलिए नहीं बता दे, अजीब आदमी है। तो कभी कभी क्या होता है कि सर चीज़ें हमें समझनी पड़ती है, हमें समझना होगा सर ऐसा, और इसके बारे में मतलब लगभग जो है कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाया था ऐसा है। तो ठीक है, बुरा मत मानिएगा, बातों को दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है, मतलब बस आपको बस बुरा मत मानिएगा, ठीक है, शब्दों को नहीं समझिए, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर कि भाव को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए, तो बताया गया था एक हफ्ते पहले, यहाँ पर बताया गया था कि हिंदुस्तान मोटर का लगभग जो है 10% इंट्राडे में भागता हुआ नजर आया, और यहाँ पर आपको बताया जा रहा था कि क्वार्टर फोर के अर्निंग पर सर सबका ध्यान था, क्वार्टर फोर के अर्निंग्स पे, पता नहीं लोगों को लग रहा है कि भाई ये कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है। आखिर में ये कंपनी लास्ट में क्यों भागती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये जो कंपनी है ना सर, ये जो प्रोडक्ट बनाती है, ये कंपनी बहुत पुराना है सर, बहुत पुराना, और इसका डिमांड नाम की जो चीज़ है सर मार्केट पर है ही नहीं, मार्केट में इसका डिमांड नाम का जो चीज़ है सर बिल्कुल नहीं है। इससे अच्छा तो सर लगभग जो है नए मॉडल के मारुति बना देती है, अच्छे अच्छे आपको देखोगे तो फोर व्हीलर बना देती है, तो सर ये कंपनी क्यों खास हो रही है? तो सर ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी नहीं बनाती है, हाँ मतलब सुस्त समझते हो सर, एकदम नॉर्मल सीधा साधा, दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है ऐसा। तो सर कंपनी को जब झटके लगने स्टार्ट हुए हैं, तो सर कंपनी ने क्या किया कि चीज़ों को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। कंपनी ने सर जो इनके पास फोर व्हीलर था उनके साथ सर इन्होंने जो है छोटा ट्रक बनाना स्टार्ट कर दिया सर। कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अगर तुम प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, ठीक है, ईवी मतलब जो भी है फोर व्हीलर आप बना रहे हो, भाई ईवी रहना चाहिए, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहना चाहिए, नहीं तो भाई एक काम करो तो अपने बोरी बिस्तर मानो और जाओ। तब कंपनी के ऊपर सर जोर आया गवर्नमेंट की तरफ से, जब गवर्नमेंट ने इनके ऊपर फोर्स दिया है तब जाके जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर एंट्री मार रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो सर ये कंपनी का जो ये एम्बेसडर बहुत सारे लगभग ये पुराने जो इनके पास प्रोडक्ट है ना सर ये छोड़ के, तो ये कंपनी क्या कर रही है कि अब नए प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है सर, ये जो है ना आप ट्रक छोटा मोटा ट्रक बनाती है सर। तो अब क्या हुआ कि सर कंपनी के अंदर सडन कुछ चेंजेस देखने को मिला, कंपनी के अंदर बोला जा रहा है कि भाई देख सकते हो कंटिन्यूअस एफर्ट, लगातार कंपनी कोशिश कर रही है, लगातार कंपनी, ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है किसके लिए, टाइप्स के लिए सर, कोई पार्टनरशिप कर लो, पोटेंशियल यहाँ देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक यहाँ पर देख सकते हो, पार्टनर हु कैन इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एंड इन्फ्यूज कैपिटल बताया जा रहा है इन द कंपनी, सी के बिरला ओन्ड यहाँ देख सकते हो, कार मेकर इज यहाँ पर देख सकते हो, कंसिडरिंग वेरियस मेजर्स टू यहाँ पर देख सकते हो इंक्लूडिंग अल्टरनेटिव यूज ऑफ फिक्स असेट टू जनरेट रेवेन्यू। तो सर कंपनी पूरी कोशिश कर रही है कि भाई या तो कोई पार्टनरशिप कर लो, नए प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, ये वो ऐसे वैसे जो
भी ये कंपनी पूरी कोशिश कर रही है। अगर इस कंपनी को थोड़ा भी इशारा मिल जाता है सर किसी की तरफ से कि भाई हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो इंटरेस्टेड है, तो फिर इस कंपनी के लिए एक अच्छा मतलब गुड न्यूज़ साबित हो सकता है। तो स्टॉक का प्राइस ऐसे ही भाग रहा है? नहीं सर, नहीं, स्टॉक का प्राइस कभी ऐसे नहीं भागता, कुछ ना कुछ रीज़न होता है। ठीक है, तो बताया जरा सर MOA, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इन्होंने सर एग्रीमेंट किया है। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि इनके पास जो लैंड है सर ओवर द पार्ट ऑफ द, यहाँ देख सकते हो, सरप्लस लैंड एट उत्तराखंड फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए ये देने वाले हैं सर। जहाँ पर बताया जा रहा कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो एग्रीमेंट था, ये अंडरस्टैंडिंग है सर, जहाँ पर लगभग जो कंपनी इन्वॉल्व इन EV सेगमेंट, अब कंपनी जो है सर जॉइंट वेंचर करके इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में आ रही है कि नहीं सर? मैंने आपको बताया था ना, और ये भी सर गवर्नमेंट ने बोला, इसके वजह से यहाँ पर धमाके देखने को मिल रहे हैं सर। और इनको सर वेस्ट बंगाल में सरकार ने ऑर्डर दिया है कि भाई तुम्हारे पास जो लैंड है वो तुम किसी और को दो काम करने के लिए, और उसके साथ साथ तुम्हारे पास जो बहुत सारी चीज़ें बची हुई है स्क्रैप हटाओ, उसको बेच कर चाहे जो भी हो उसको हटा दो यहाँ से, अब तुम एक नए काम करना स्टार्ट करते हो तो कंपनी को यूटिलाइज़ करना सीखो। ठीक है, और नहीं हो पा रहा है तो भाई तुम अपने तुम्हारे पास जो भी असेट है, रिसोर्स है, वो तुम हैंड ओवर कर दो किसी और को, ऐसा भी होता है। और ये थी सर कंपनी की खुशी की लहर जो रुक नहीं रही थी। क्या थी सर? हिंदुस्तान मोटर रिपोर्टेड 11 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर 1 करोड़ लॉस लास्ट ईयर। सर पिछले साल में इस कंपनी ने 1 करोड़ का लॉस किया था और इस साल कंपनी ने 11 करोड़ का प्रॉफिट किया, मतलब सर टोटल 12 करोड़ का प्रॉफिट है। याद रखिएगा, ये करोड़ में प्रॉफिट है सर 12 करोड़ का, लेकिन सर कितने परसेंट का? 1000% का सर, सॉरी 1300% सर, 1300% तक का जंप देखने को मिला इनके नेट प्रॉफिट में। बात समझ में आ रही है? एक साल के अंदर ऐसा हुआ है सर यहाँ पर। ठीक है, कंपनी के पास रिजर्व नहीं है, बातें समझ में आती है सर। ठीक है, कंपनी के पास रिजर्व नहीं है, लेकिन सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले कंपनी के पास 217 करोड़ का रिजर्व नेगेटिव था, आज यही 115 करोड़ का बचा है। मतलब कहीं ना कहीं सर कंपनी ने 100 करोड़ का पैसा इंतजाम किया। और कंपनी के पास सर पहले लोन हुए करते थे, डेट हुए करते थे, आज ये कंपनी सर डेट फ्री है। तो देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए, देखिए, जानकारी लीजिए, कोई बुराई नहीं है। बाकी मैं आपको खरीदने बेचने नहीं बोल रहा हूँ, स्टडी करने में कोई बुराई नहीं है सर। ये कंपनी और केवल जो कार है सर वो कार ही नहीं बनाती है, अब ये कंपनी जो ट्रक वगैरह भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हो सर। तो ये सभी चीज़ों में सर कंपनी को बेनिफिट होने वाला है। ये जो है ये नहीं चलने वाला ज़्यादा कुछ खास, ठीक है, इसको मॉडिफाई करेंगे क्या करेंगे पता नहीं है, लेकिन हाँ अब ये जो है ट्रक वाले जो सेगमेंट है सर, इसमें थोड़ी बहुत मतलब उम्मीद की किरण जागती हुई नज़र आ रही है कि भाई उसमें कुछ हो सकता है करके। ऐसा ये देख सकते हो, ये वाला छोटे छोटे ट्रक बना रहे हैं, उनमें ये लोग प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के सर, छोटे थोड़े बड़े। तो ये केवल एक जानकारी के लिए वीडियो बनाया गया था, खरीदने बेचने से पहले मैं आपको बोलूँगा एक बार देख लीजिएगा, बहुत रिस्की का मतलब सर बहुत रिस्की स्टॉक है। ठीक है, और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगे, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन, एडवाइस और टिप्स वगैरह नहीं है सर, सोच समझ के कीजिएगा।